पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का मामला, नैब ने साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल, क्या इल्जामात हैं इन पर? जी, मुजाहिद कामरान को नैब ने बुलाया था, उनके खिलाफ नैब में मुख्तलिफ बेजाब्ते के हवाले से माली और इसके अलावा ये भी उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने मैरिज से हटकर जो है भर्तियां की हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जबकि अपने प्रिंसिपल जो है वो अपनी जो मिसेज थी उन्हें भी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल तैनात किया था। इस वजह से नैब तहकीकात कर रहा था, आज उन्हें बुलाया गया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की जाने से साबिक वाइस चांसलर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुजाहिद कामरान, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस बात की तस्दीक जो है जराय ने भी कर दी है कि मुजाहिद कामरान को जो है नैब ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर काफी करोड़ों रुपए की माली बेजाबतियों का जो है नैब ने तहकीकात की जा रही थी। और इसके अलावा जो है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि मैच के आकर भर्तियां करने का भी उनके ऊपर इल्जाम था और नैब ने इस वाले से मुतद दफा उन्हें बुलाया भी था, उनका बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे और आज भी उन्हें बुलाया गया था, जिस पर उनके खिलाफ ठोस शवाही जो थे उनके सामने रखे गए जिससे वो जवाब ना दे सके। और जैसा कि आपने बताया कि नैब ने मुतादित बार इनको तलब किया था, क्या ये पेशियां भुगत चुके थे और आज पेशी के लिए आए हुए थे वहां पर? जी, जिस तरह नैब की तहकीकात का सिलसिला ये होता है कि नैब अपनी तहकीकात के सिलसिले को साथ साथ जारी भी रखते हैं और उसके बाद जो नैब जो है अपनी चीजों को जो है जो तहकीकात होती है जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसकी वेरिफिकेशन भी करता रहता है। जब नैब को दो शवाहद मिल जाते हैं, नैब को अपने पास ऐसे शवाहद आ जाते हैं जिससे पता लगता है कि अब बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसके वजह से मुजाहिद कामरान को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि नैब के पास ठोस शवाहद मौजूद है कि माली करप्शन भी की गई है, मैजिस्ट्रेट की भर्तियां भी की गई हैं, अपनी मिसेज को जो है गैर कानूनी तौर पर जो है प्रिंसिपल भी लगाया गया लॉ कॉलेज का। और जब ठोस शवाहद मिल गए, सारे सबूत नैब के पास आ गए, जो सवालात किए गए उसके जवाब ना दे सके, इस पर आज नैब ने उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया, बकायदा उनकी गिरफ्तारी टाल दी गई है। नैब ने साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद तफसीलात से आगाह करने के लिए।